स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तीखे होने लगे हैं सर्दी के तेवर, उत्तरी राजस्थान में कोहरे के आसार। भीलवाड़ा में चिकित्सालयों के चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर 2 घंटे कार्य बहिष्कार करते हुए किया प्रदर्शन। बीएसएफ द्वारा आयोजित बैटल रेल दौड़ का हुआ समापन, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। और अब खबरें विस्तार से। मरुधरा में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। पश्चिमी विभोग का असर समाप्त होने के अधिकांश हिस्से में पारे में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सर्दी के तेवर और तीखे होने की संभावना है। कुछ इलाकों में कोहरा भी छाया रह सकता है। राजस्थान में पश्चिमी विभोग का असर समाप्त होने के साथ ही उत्तरी हवाओं का दौर शुरू हो गया है। इसके कारण सर्दी के तेवर तीखे होने शुरू हो गए हैं। बीकानेर, पिलानी, सीकर, चूरू और श्रीगंगानगर समेत कई इलाकों में तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। इन इलाकों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क गया है। एकाएक बड़ी सर्दी के कारण लोगों को गर्म कपड़े पहनना पड़ रहा है। और अब खबर बाड़मेर के सेवड़ा से, जहां पे सोमवती अमावस के मौके पर घरों में स्नान करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ देकर सुख समृद्धि की मनोकामना मांगी। इस मौके पर गायों की पूजा अर्चना करके भोजन करवाया गया। मंदिरों में जगह जगह हवन यज्ञ पूजन किए गए। सोमवती अमावस्या के मौके पर घरों में स्नान करके श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्यदेव को अर्घ देकर घर परिवार में सुख समृद्धि की मनोकामना की। तो वहीं सेवड़ा के निकटवर्ती महादेव मठ केकड़ में सोमवती अमावस पर हवन यज्ञ आयोजित किया गया। पंडित गुंजाराम राणेजा केकड़ के विधि विधान से यज्ञ संपन्न करवाया। मुख्य यजमान के रूप में रामपुरी जी महाराज, सेवड़ा उप प्रधान रूपाराम मूंड मौजूद रहे। यज्ञ समारोह संपन्न होने के बाद में श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया गया। और अब खबर जोधपुर के शेरगढ़ से, जहां पे उपखंड की तहसील सेतरावा सीएससी में नियमित रूप से सैंपलिंग की जा रही है। सेतरावा कस्बे स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना जांच के लिए सैंपलिंग का कार्य लगातार जारी है। 3 दिनों में 57 लोगों की कोरोना जांच सैंपल लिए गए, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर रतन सिंह राठौर ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी के संज्ञान में महामारी से संभावित लक्षण प्रकट होने पर ग्रामीणों को तत्काल कोरोना जांच के लिए सीएचसी स्तर के लिए सैंपल एकत्रित करने का कार्य जारी है। व्यापारियों एवं ग्रामीणों को मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, साबुन से हाथ धोने, साथ में स्वच्छता का ख्याल रखने आदि की जरूरी बातें भी बताई जा रही है। लैब टेक्नीशियन गिरधारी राम लावा द्वारा लोगों की कोरोना सैंपलिंग की जा रही है। और अब खबर झालावाड़ से, जहां पे कोरोना संकट में शिक्षक बने मिसाल, तो वहीं गरीब बच्चों के घर घर जाकर शिक्षा दे रहे हैं। कोरोना काल में जहां बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, तो वहीं इसी बीच एक ऐसे शिक्षक भी है जो बिना रुके बच्चों को उचित शिक्षा देने में लगे हुए हैं। राजस्थान के झालावाड़ जिले में राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीपल खेड़ी में शिक्षक रामदयाल बैरागी लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोरोना के कारण बच्चों के स्कूल बंद हैं, लेकिन फिर भी उनकी पढ़ाई और होमवर्क बराबर चल रहा है। रामदयाल बैरागी नाम के शिक्षक की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वहीं बच्चों का कहना है कि सर प्रतिदिन हमें पढ़ाते हैं और समय पर होमवर्क देते हैं और चेक भी करते हैं। हमें स्कूल बंद होने की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई है। लॉकडाउन में बच्चों के स्कूल भी बंद हो गए हैं, जिस पर राजस्थान सरकार ने 1 दिसंबर से स्माइल ट्यूट कार्यक्रम के तहत बच्चों को उनके घर में ही पढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। अब सरकारी आदेश का इतना सही पालना होता है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन इन सब बातों से लगभग झालावाड़ जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीपल खेड़ी के शिक्षक रामदयाल बैरागी भी हैं, जो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में बच्चों को प्रतिदिन पढ़ा रहे हैं। रामदयाल बैरागी नाम के शिक्षक बच्चों के अच्छे खासे हीरो के से कम नहीं है। वहीं वे प्रतिदिन सुबह गांव के अलग अलग इलाके में जाकर समय पर पहुंच जाते हैं और यहां जगह मिल जाती है तो वहीं पे बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं। सभी बच्चों को होमवर्क देते हैं और चेक भी करते हैं। इनसे पढ़ने वाले बच्चों को में अधिकांश गरीब और मजदूर वर्ग के बच्चे हैं। बच्चों के परिजन भी कहते हैं कि सर बीएलओ का काम भी करते हैं और उसके बावजूद भी पूरी ईमानदारी से बच्चों के घर घर जाकर पढ़ा रहे हैं।
और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पे उपचार के दौरान किशोरी की मौत के बाद में चिकित्सकों से मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज इसके विरोध में राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय के चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर 2 घंटे कार्य बहिष्कार करते हुए ओपीडी गेट के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि चिकित्सक पर हमला करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। आईएमए सर्विस डॉक्टर विंग के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर फिरोज मोहम्मद ने कहा कि चिकित्सकों से मारपीट की घटना पर हम विरोध करते हैं, इसके कारण आज हमने 2 घंटे विरोध प्रदर्शन किया है। हमारी मांग है कि उक्त मारपीट के आरोपियों की पहचान करें, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस व्यवस्था भी माकूल की जाए। वहीं आईएमए भीलवाड़ा के अध्यक्ष दुष्यंत शर्मा ने कहा कि आरोपियों को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक सभी निजी चिकित्सालयों के ओपीडी बंद रहेंगे और वहीं चिकित्सक कार्य भी बहिष्कार करेंगे। परसों का घटनाक्रम हुआ है, चिकित्सकों से जो मारपीट हुई है अभी तक प्रशासन ने कोई किसी प्रकार का अभी तक एक्शन मुझे नहीं लगता है कि कुछ लिया गया है। इस संदर्भ में हम आज सारे निजी चिकित्सक सभी इमरजेंसी सभी लेब और सभी ओपीडी बंद रखेंगे। इसके साथ फिजियोथेरेपी क्लिनिक भी बंद रहेगी। मेडिकल स्टोर्स केमिस्ट एसोसिएशन ने भी हमें आश्वासन दिया जिस दिन हम कहेंगे उस दिन वो भी सभी मेडिकल स्टोर्स बंद कर देंगे। मेरे गवर्नमेंट साथियों ने 2 घंटे का आज बहिष्कार किया है। अगर इसमें दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो लोग भी हड़ताल पे चले जाएंगे। पूरे भीलवाड़ा में मेडिकल सर्विसेज को मजबूरन हमें ठप करना। पांड्या हॉस्पिटल की घटना हुई, उसके बाद जो चिकित्सकों के साथ मारपीट हुई उससे सारा चिकित्सक समुदाय आक्रोशित है और भयग्रस्त है। चूंकि चिकित्सक के साथ मारपीट होने के बाद भी कोई दूसरे लोग बाग उसके साथ में खड़े नहीं हो रहे तो चिकित्सकों का यह दायित्व बढ़ता है कि उसको सपोर्ट के लिए खड़े हो। तो आज सरकारी चिकित्सकों ने यहाँ 2 घंटे का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया है और आगे भी जो भी आईएमए का निर्णय होगा उसको देखते हुए हमारे गवर्नमेंट के तंत्र को ध्यान में रखते हुए हम आगे निर्णय करेंगे। और इस हमारी 2 ही मांगे हैं। पहली बात तो ये है, प्रथम जो दोषी है उनको गैर जमानती अपराध के तहत गिरफ्तारी की जाए और दूसरी हमारी मांग है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आगे पुलिस का पुख्ता इंतजाम हो। जब भी कोई ऐसी सूचना मिले कि मृत्यु के बाद भीड़ इकट्ठी हो रही है, पुलिस का कोई उच्च अधिकारी उस घटना स्थल पर पहुंचे, मरीज से शिकायत ले, मरीज के रिश्तेदार से शिकायत ले और डेड बॉडी अगर कोई है मृत्यु हुई है तो उसको पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट करके कानूनी प्रक्रिया में डाला जाए। भर्ती मरीजों का इलाज भी करने वाले कर रहे हैं, इमरजेंसी पेशेंट को भी देखा जा रहा है। मरीजों को हम किसी तरह की वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान आकर्षित करने का उद्देश्य यही है कि दोनों चीजों को प्रशासन गंभीरता से ले और तुरंत क्रियान्वित करे, अन्यथा हमें भी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार। और अब खबर श्री गंगानगर के अनूपगढ़ से, जहां पे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में अनूपगढ़ पहुंचे। वह 1971 भारत पाक युद्ध के योद्धाओं को सम्मानित किया। वहीं बीएसएफ के सैनिकों द्वारा कावेरी पोस्ट से मध्य रात्रि में 180 किलोमीटर बैटल रेल दौड़ प्रारंभ कर रेतीले टीलों झाड़ियों से गुजरते हुए अनूपगढ़ पहुंची। कार्यक्रम में 1971 युद्ध के लौंगेवाला पोस्ट से महानायक भैरव सिंह सहित अनेक योद्धा पहुंचे। बीएसएफ आईजी आयुष्मणि तिवाड़ी व डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौर सहित कार्यक्रम भारी संख्या में बीएसएफ का जवान व स्थानीय नागरिक भी पहुंचे। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस जाप्ता तैनात रहा तथा डीएसपी रामेश्वर लाल व एसएचओ सुरेंद्र पूनिया स्टाफ सहित मौजूद रहे। और ज़्यादा बलशाली हुए ये भाव एक्सप्रेस करने के लिए ये कार्यक्रम सीमा सुरक्षा बल ने आयोजित किया। रात में 12 बजे से लेकर के वर्तमान सुबह 12 बजे तक 180 किलोमीटर की दौड़ 900 से ज़्यादा सैनिकों ने दौड़ करके पूरे की। निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो प्रस्तुत किया है। मैं सीमा सुरक्षा बल को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ और जिन सब लोगों ने आदरणीय सेक्टर डीआईजी श्री पुष्पेंद्र सिंह जी से लेकर के जिन सब लोगों ने इसमें हिस्सा लिया उन सारे सैनिक भाइयों और बहनों को भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। और अब खबर किशनगंज से, जहां पे मदनगंज थाने क्षेत्र में करनी नगर गुजरों के मोहल्ले राजा रेड़ी क्षेत्र में इलाके में रहने वाले करण सिंह संग्राम सिंह भाटी दोनों भाई पिछले दिनों भाभी के देहांत होने पर गांव गए थे। इसके साथ में पीछे से चोरों ने मौका पाकर उनके घर में हाथ साफ कर दिया।
करण सिंह ने बताया कि चोर दरवाजा फांदकर अंदर घुस गए और कमरे के ताले तोड़कर वहां से उन्होंने पूरा घर का सामान आराम से बैठकर खंगाला और उनके अलमारी को भी खोलकर उसमें रखी कीमती सामान चुरा ले गए। पीड़ित दोनों भाइयों ने पुलिस में दी रिपोर्ट में बताया कि उनके घर से लाखों कीमती आभूषण, रखड़ी, पायजेब की जोड़ी, चांदी के सिक्के, हजारों रुपए की नकदी, गैस की टंकी सहित अन्य सामान चुराकर ले गए। पीड़ित की सूचना पर मदनगंज पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर मौके का मुआयना किया। अज्ञात रहे कि इन दिनों लगातार मदनगंज थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक काफी ज्यादा मच गया है। आए दिन किसी न किसी घर में चोरी होती रहती है, वही मौका पाकर चोर हाथ साफ कर लेते हैं। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हम भाभी जी खत्म हो गए थे, वहाँ गए हुए थे और 5 तारीख को आए थे जब ताड़े लगे हुए थे। उसके बाद में आज सुबह आए थे 8 बजे और देखे तो सामान पूरा बिखरा हुआ था, अलमारी के ताले टूटे हुए थे, गैस की टंकी, जेवरात ये ले गए। कितना क्या लेके गए हैं चोर? करीबन यही राखड़ी थी बड़ी, काने के थे, पाजेब थी, लोंगों की जोड़ी थी, सोना चांदी की अंगूठी थे, गैस की टंकी है, सब ले गए। तो इनको नकदी वगैरह भी लेके गए? हाँ, नकदी 6,000 रुपये नकदी पड़े थे। तो क्या आपके दोनों घर आपकी थे? हाँ, दोनों भाइयों के। हम काश भाभी जी खत्म हो गए थे, हम वहाँ गए हुए थे, गाँव गए हुए थे। हाँ, पुलिस में रिपोर्ट दी आपने? हाँ, वो मदनगंज थाने में देख के आ गए। ठीक है, आपका नाम? संग्राम सिंह भाटी। बात यही हुई कि भाभी जी की पहले तबीयत खराब थी तो यहाँ हॉस्पिटल में गए थे, यहाँ से उनकी डेथ हो गई, फिर गाँव चले गए हम रामपुरा। कितने दिन हो गए गाँव गए हुए आप लोग? मैं गया था 28 को खत्म हुए थे, वहीं से हम। तब से मकान सुने थे? सुने थे, बीच में 2 बार बच्चा आया था, चेक करके गया, ओके था। तो फिर का पता लगा तो आज सुबह 8 बजे लगा सर। कितना क्या लेके गए हैं लोग? वो रखड़ी, चांदी, सोने के जेवरात थे, 2.5-3 लाख के थे, 35,000 नगद थे, BC के चुराए हुए और चांदी के सिक्के थे 45। सब ले गए सर। पुलिस में रिपोर्ट दे दी आपने? हाँ, दे दी सर। ठीक है, आपका नाम? करण सिंह है सर। और अब खबर श्रीगंगानगर के रावला क्षेत्र से, जहां पे किसान व्यापारियों के मजदूरों की बैठक सोमवार को व्यापार मंडल भवन में व्यापार मंडल अध्यक्ष बुधराम कालेरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि अध्यादेशों का विरोध किया गया। व्यापारियों ने कहा कि इन अध्यादेशों से समस्त भारत की मंडियां खत्म हो जाएगी, मंडियां खत्म होने से चारों तरफ बेरोजगारी बढ़ेगी और साथ ही किसान वर्ग भी परेशानियों से घिरा रहेगा। व्यापारियों ने कहा कि किसान धान मंडी में जब खुली नीलामी में अपना माल बेचने से संतुष्ट होता है तो क्यों न उसका माल तुरंत तूल जाता है और तथा उसे भुगतान भी समय पर मिल जाता है। इस संबंध में किसानों व व्यापारियों ने संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपते हुए अध्यादेश वापस लेने की मांग की है। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पे अजमेर जोन के अतिरिक्त आबकारी आयुक्त राजेंद्र सिंह राठौर ने भीलवाड़ा आबकारी अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने राजस्व बढ़ाने और राज्य सरकार द्वारा चलाए गए अवैध हथकड़ शराब पर रोक अभियान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में के बाद में रेस्टो बार संचालकों के बेसिक लाइसेंस फीस को कम करने और शराब विक्रेताओं के ने भी कोरोना के कारण दुकानदारों का राहत प्रदान करने के लिए भी ज्ञापन सौंपा। बैठक में आबकारी अधिकारी जॉन अजमेर, रामलाल मीणा, आबकारी अधिकारी मुकेश, आबकारी निरीक्षक आशीष शर्मा, सहायक आबकारी अधिकारी महिपाल सिंह राणावत सहित मौजूद रहे। रेस्टो बार संचालक रितु मुखीजा ने कहा कि हाल ही में विभाग ने बियर बार में बेसिक फीस 5 लाख से बढ़ाकर 6.5 लाख कर दी है, वहीं जिसके कारण हमने ज्ञापन दिया है कि हमारी मांग है कि उक्त बड़ी राशि का को वापस लिया जाए। अतिरिक्त आबकारी आयुक्त अजमेर राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि आज की बैठक में प्रमुखता से राजस्व और अवैध शराब विक्रय को लेकर अधिकारियों से समीक्षा ली गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से चलाए गए अवैध हथकड़ शराब रोकथाम पर अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक सवाल के जवाब में राठौर ने कहा कि राजस्व के मामले में भीलवाड़ा पिछले साल की तुलना में कम है, जिसे सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। रेस्टो बार संचालन के ज्ञापन में हम उच्च अधिकारियों तक पहुंचाकर उन्हें राहत प्रदान करने का प्रयास करेंगे।
बैठक में भीलवाड़ा जिले में जो राजस्व है, लीकर उठाव है, अवैध लीकर है, इनकी समीक्षा की गई और राज्य सरकार की तरफ से एक अभियान चला गया है, वो आज से शुरू होगा। इसमें अवैध हथकड़ के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इसके लेके टीम ने गठित की गई है और अगले एक महीने तक इसको प्रभावी रूप से अमल में लाया जाएगा। राज्य सरकार में सबसे बड़ा मुद्दा अभी राजस्व बढ़ाने का है। राजस्व तभी बढ़ पाएगी जब अवैध जो भी लीकर है उसकी रोकथाम हो, हरियाणा की डक्कन अवैध आ रहे हैं उनकी रोकथाम हो, तो सारा एम्फेसिस अभी इसी बात पे लगाया जा रहा है। भीलवाड़ा औसत स्तर पे है अभी वर्तमान में और पिछले साल की तुलना में इसकी एफिशिएंसी अपेक्षाकृत कम है, उसी में सुधार की हम प्रयास कर रहे हैं। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने यह मांग की है कि उनकी बार फीस 6.5 लाख है जो होटल रेस्टोरेंट के बराबर है, जबकि होटल रेस्टोरेंट को सारी लीकर बेचने का अधिकार होता है, इनको केवल बियर का, इसलिए इनकी फीस कम की जाए। ये रिप्रेजेंटेशन राज्य सरकार के स्तर पर निर्णित होना है, इसलिए हम इसको कमिश्नर साहब के यहाँ रेफर करें। मामला एक्चुअली ये है कि हम लोगों की लास्ट ईयर फीस 5 लाख थी और इस साल 6.5 लाख कर दी, और ऐसे टाइम पे कोरोना के टाइम पे जब वैसे ही इतना 3 महीने तो बंद रहा और ऊपर से होटल बार वालों की तो 6.5 लाख है और हमें केवल अलाउड है वाइन और बियर बेचना, हमें हार्ड लेकर बेचना अलाउड नहीं है, तो उसमें हमारी वायबिलिटी निकलती नहीं है। तो वही हम ज्ञापन देने आए थे कि हमारी फीस दूसरे जिले में जो लास्ट ईयर फीस थी वही ली है, कोई बड़ा ही नहीं है। और अफकोर्स बाकी सब ने हमें ये कराया कि नेक्स्ट ईयर 25% कम ही लेंगे फीस, बट फाइनली इस साल ही ज़्यादा है तो नेक्स्ट ईयर का तो क्या करेंगे। फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही, आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।